नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज चर्चा का विषय है कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार विभिन्न ज़रूरतों के लिए एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। हम यह भी चर्चा करेंगे कि इन कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप दूर संचार के विभिन्न उपयोगों का वर्णन कर पाएंगे, विभिन्न संचार मीडिया का मूल्यांकन कर पाएंगे, एक नेटवर्क को परिभाषित कर पाएंगे तथा विभिन्न प्रकार के नेटवर्क का वर्णन कर पाएंगे। एक से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि डेटा का आदान प्रदान किया जा सके और संसाधनों को साझा किया जा सके। नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों से संवाद स्थापित कर सकता है। नेटवर्क विविध रूपों में आते हैं और विभिन्न संचार विधियों जैसे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का समर्थन करते हैं। आइए अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न उपयोगों की चर्चा करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पहला उपयोग है कम्युनिकेशन के लिए। हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में हम नियमित रूप से बात करके, लेखन और संकेतों के माध्यम से दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जुड़कर एक दूसरे से संवाद करते हैं ताकि डेटा और संसाधन साझा किया जा सके। उदाहरण के लिए एक प्रिंटर, जो कि एक संसाधन है, के साथ दो या अधिक कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है ताकि प्रत्येक कंप्यूटर इस एक प्रिंटर को इस्तेमाल कर सके। यह एक बहुत छोटे और सरल नेटवर्क का उदाहरण है जिसमें आप नेटवर्क के माध्यम से आउटपुट डिवाइस को साझा कर रहे हैं। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से संवाद स्थापित करने के लिए दोनों कंप्यूटरों के बीच सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है। सिग्नल के इस आदान प्रदान से आप न केवल देश के बल्कि नेटवर्क के माध्यम से जुड़े विदेश में रहने वाले उपयोगकर्ताओं से भी जुड़ सकते हैं तथा ईमेल के माध्यम से न केवल संदेश भेज सकते हैं अपितु फाइलों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का द्वितीय उपयोग है कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग के लिए। कंप्यूटर संचार ने विभिन्न संस्कृतियों, महाद्वीपों और समय क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे लैंडलाइन फोन, उपग्रह, केबल, इंटरनेट और सेलफोन टेक्नोलॉजी ने लंबी दूरी पर संचार संभव और सस्ती बना दिया है। कई व्यवसायिक संगठनों और व्यक्तियों ने इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का फायदा उठाया है। इसके उपयोग से आज उपयोगकर्ता को बैठक या सम्मेलनों में जाने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से कर्मचारियों को घर से या कार्यालय से दूर रहकर भी काम करने की सुविधा प्राप्त होती है, जिसे इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगकर्ता ऑफिस के अन्य कर्मचारियों से जुड़ सकता है। इसके अतिरिक्त इस सुविधा का इस्तेमाल करके वह अन्य कर्मचारियों को डॉक्यूमेंट भेज एवं प्राप्त कर सकता है, अपना शेड्यूल साझा कर सकता है, संदेश भेज सकता है तथा अपने सहकर्मियों के साथ सीधे बात करने में सक्षम है। कार्यालय से दूर रहकर भी कार्यालय से जुड़कर कार्य करने को टेलीकम्यूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का तृतीय उपयोग है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए। पूर्व के वर्षों में डेटा और सूचनाएं केंद्रीय स्थान, जिसे हम अंग्रेजी में सेंट्रलाइज लोकेशन कहते हैं, में संग्रहित की जाती थी तथा विभिन्न स्थानों से एक साथ कई उपयोगकर्ता इस सिस्टम से जुड़कर लेन देन के लिए ज़रूरी डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते थे। सेंट्रल प्रोसेसर या स्टोरेज, जिससे सभी यूजर जुड़े होते हैं, के द्वारा सभी यूजर के अनुरोध या रिक्वेस्ट पर बड़ी मात्रा में डेटा और इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान में समय लगता था। इस तकनीक से कई समस्याएं उत्पन्न हुई क्योंकि हर बार प्रत्येक यूजर इस सिस्टम से जुड़कर समय पर सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि यूजर के सिस्टम और सेंट्रलाइज प्रोसेसर के बीच भारी मात्रा में डेटा का आदान प्रदान सिस्टम की स्पीड को धीमा कर देता था और कई बार सिस्टम क्रैश हो जाता था या फिर उसे शटडाउन करना पड़ता था। कंप्यूटर संचार प्रणाली के माध्यम से कंपनियां
अपने अपने व्यापार का विस्तार कर सकती हैं तथा दूसरी बिल्डिंग, दूसरे शहर या फिर दूसरे देशों में स्थित अपनी सहायक कंपनियों या शाखाओं से कंप्यूटर संचार प्रणाली के माध्यम से जुड़कर इनका संचालन कर सकती हैं। कई बड़े कॉरपोरेट अपने प्रमुख ग्राहकों के सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को लिंक करते हैं। यह इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम लिंक कंपनी के सिस्टम को आपूर्तिकर्ता के सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज या EDI के लिए लिंक करता है, जिससे ऑर्डर की प्रोसेसिंग और लेन देन बहुत शीघ्रता से निष्पादित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का चतुर्थ उपयोग है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का उपयोग व्यापार, उद्योग, अनुसंधान संगठनों, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में डिजिटल क्षेत्र में डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। निजी या सार्वजनिक डेटाबेस में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जैसे म्यूजिक, टेक्स्ट, साउंड आदि को संग्रहित किया जा सकता है। एक बार इन डेटाबेस के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उन्हें इंटरनेट या इंटरनेट के माध्यम से चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा इन डेटाबेस तक पहुंचा जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क का पांचवा उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग का उपयोग सभी उम्र के लोग के बीच संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है। मैसेजिंग में सेलुलर फोन का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट मैसेजिंग, MSN और गूगल टॉक जैसे प्रोग्राम का उपयोग करके ऑनलाइन मैसेजिंग करना भी शामिल है। फैक्स द्वारा संदेश भेजना और प्राप्त करना, पेजिंग, वॉइस मेल आदि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के अन्य तरीके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल और ऑनलाइन मैसेजिंग द्वारा डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को अटैचमेंट के रूप में भेजा जाना भी संभव है। कंप्यूटर नेटवर्क का छठा उपयोग है एफिशिएंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कंप्यूटर संचार को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए कई एजेंसियों का योगदान है, जिनमें विभिन्न देशों की टेलीकॉम, केबल और उपग्रह कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ साथ कई इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP कंपनीज भी शामिल हैं, जो इंटरनेट तक पहुंच को संभव बनाते हैं। वास्तव में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ICT के संचालन और प्रबंधन में कई व्यावसायिक संगठन जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां, हार्डवेयर डेवलपमेंट कंपनियां, कस्टम डेवलपमेंट कंपनियां, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कंपनियां शामिल हैं तथा इंटरनेट का संचालन इन संगठनों के आपसी सहयोग एवं सामंजस्य से ही संभव है। क्योंकि इंटरनेट के संचालन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है तथा इसका संचालन विभिन्न देश और संगठनों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है, अतः इन देशों की सरकारों से अपेक्षित है कि वे आम जन तक डेटा की पहुंच एवं डेटा के उपयोग को सुगम बनाए। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से संचार सुविधा को सक्षम बनाने के लिए वायर्ड या वायरलेस मीडिया जैसे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल आदि का उपयोग किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सल केबल विद्युत आवृत्तियों या इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी के माध्यम से डेटा संचारित करते हैं, इसलिए इन तारों को पानी और विद्युत चुंबकीय तरंगों से सुरक्षित रहने की जरूरत होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में ग्लास एवं प्लास्टिक ट्यूब से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करते हुए तेज गति से तथा अधिक दूरी पर डेटा संचारित हो सकता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल अन्य धातु तारों की तुलना में अधिक सुरक्षित, पतले और हल्के होते हैं तथा वे रेडियो और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। हालांकि फाइबर ऑप्टिकल केबल बहुत महंगे होते हैं तथा इनका इंस्टॉलेशन करना भी मुश्किल होता है, फिर भी अपने गुणधर्मों के कारण वे टेलीफोन कंपनियों, बैंकों, टेलीविज़न कंपनियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं तथा ये कंपनियां ट्विस्टेड पेयर कोएक्सल केबल को बदलकर फाइबर ऑप्टिक्स केबल इंस्टॉल कर रही हैं। वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा दूर संचार नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर वायर यानी तार के उपयोग के बिना जोड़ा जाता है। वायरलेस नेटवर्क सिस्टम सेलुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो उपग्रहों, रेडियो और अन्य संकेतों का उपयोग कर दुनिया भर में जमीन और समुद्र पर संचार की क्षमता प्रदान करते हैं।
वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से आप छोटे कार्यालयों या फिर दुनिया भर में फैले अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जल्दी से डेटा भेज सकते हैं तथा डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरलेस मीडिया द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट करना अपेक्षाकृत सस्ता है और यह विकासशील देशों जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों का अभाव है के लिए बहुत उपयोगी है। वायरलेस नेटवर्क बहुत सारी उलझी हुई नेटवर्क केबल से निजात दिलाता है तथा उपयोगकर्ता को अधिक गतिशीलता प्रदान करता है। हालांकि वायरलेस मीडिया का इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी हैं। दूसरे नेटवर्क से इंटरफेरेंस के कारण रेडियो सिग्नल ब्लॉक हो सकते हैं जिससे संचार में व्यवधान आ सकता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आपस में संवाद करने के लिए इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा कैसे जाता है। नेटवर्क कंप्यूटर का एक संग्रह है जो आपस में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को टोपोलॉजी कहा जाता है। जब टोपोलॉजी स्केचिंग करते हैं तो प्रत्येक कंप्यूटर वर्क स्टेशन, फाइल सर्वर या अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस को आमतौर पर एक नोड कहा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क संरचना का अर्थ है नेटवर्क तारों की तर्कपूर्ण व्यवस्था। अन्य शब्दों में कंप्यूटर का आपस में जुड़ने का ढंग ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। आइए अब हम विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी की चर्चा करते हैं। बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ही तार या केबल का प्रयोग होता है जिसे हम बैकबोन कहते हैं और सभी कंप्यूटरों को बैकबोन से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ और तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र या डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य संकेतों का नियंत्रण करना होता है। कोई भी नोड किसी दूसरी नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा। बस के खाली रहने पर ही नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। बस टोपोलॉजी के कई लाभ हैं, जैसे बस टोपोलॉजी को स्थापित या इंस्टॉल करना आसान होता है। अन्य टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल की आवश्यकता होती है। बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने की कई हानियां भी हैं, जैसे किसी एक कंप्यूटर की खराबी पर सारा डाटा संचार रुक जाता है तथा बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन है। स्टार टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे हब कहते हैं। इसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों से जोड़ा जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते, इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने के कई लाभ हैं, जैसे इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत कम आती है। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती, अपितु उसके कार्य करने की गति बढ़ जाती है, क्योंकि दो कंप्यूटरों के बीच होस्ट कंप्यूटर ही होता है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने की कई हानियाँ भी हैं। स्टार टोपोलॉजी का पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर होता है। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं तथा प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर मास्टर नहीं होता। इसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है तथा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने पर उनके मध्य के अन्य कंप्यूटरों को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डेटा उनके लिए है या नहीं। रिंग टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने के कई लाभ हैं। यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। यह स्टार से अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह किसी भी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता। इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम लिया जा सकता है। रिंग टोपोलॉजी को इस्तेमाल करने की कई हानियां भी हैं। इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम है
तो गति अधिक होगी, और यदि कंप्यूटर की संख्या ज़्यादा है तो गति कम होगी। यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है, क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी को मैश भी कहते हैं। मैश एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें संयंत्र या डिवाइसेस नेटवर्क नोड के मध्य कई अतिरिक्त अंतःसंबंध या इंटरकनेक्शन से जुड़े होते हैं। अर्थात मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। इसके कई लाभ हैं। सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, अतः इसमें किसी भी सोर्स से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। एक रूट के फेल हो जाने पर दूसरे रूट से डेटा प्रेषित किया जा सकता है। यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक की स्थिति में रूट्स को ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी सोर्स से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन में डेटा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने की कई हानियां भी हैं। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मैश नेटवर्क खर्चीला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा प्रत्येक नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। अब तक की चर्चा में हमने दूर संचार के विभिन्न उपयोगों के बारे में जाना, विभिन्न संचार मीडिया का मूल्यांकन किया, नेटवर्क तथा नेटवर्क टोपोलॉजी को परिभाषित किया, तथा विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी के गुण दोषों की चर्चा की। अगले लेक्चर में हम नेटवर्क्स के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।